हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम स्टूडियो में रैना जैसी ग्रुप डी के एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है? आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो फ्रेंड्स मेरे साथ वीडियो में बने रहेगा। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना गूगल ऑन कर लेना, ठीक है? यहाँ पर आपको फिलअप करना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ठीक है? इतना फिलअप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जब फ्रेंड्स आप सर्च पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट में देख रहे हैं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, आपको ये साइट ओपन कर लेनी है, ठीक है? तो मैं साइट पे क्लिक कर लेता हूँ। जब फ्रेंड्स आप इस साइट पे क्लिक कर लेते हैं, आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एडमिट कार्ड, हरियाणा एचएससी ग्रुप डी एडमिट कार्ड, ठीक है? आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको इसी का मिलेगा आज, ठीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? इस पेज पर आप फ्रेंड नीचे आ जाइए। दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है? जो आपका पेपर होना है फ्रेंड्स, वो आप नीचे देखिए 10, 11, 17, 18 तारीख को आपका पेपर होना है दोस्तों, नवंबर के महीने, मतलब इसी महीने में आपका पेपर होना है दोस्तों ये, ठीक है? बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। सबकी टोटल पोस्ट है दोस्तों 18,218 पोस्ट है इसमें, ठीक है? जिसमें जनरल की 8,312 पोस्ट है, एससी की 4,245 पोस्ट है, बीसी की 3,345 पोस्ट है, बीसीबी की 2,316 पोस्ट है दोस्तों इसमें, ठीक है? टोटल आपकी पोस्ट इसमें हो जाती है 18,218 पोस्ट, ठीक है? और बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड। अगर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो दोस्तों, आप यहाँ पे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक एयर, और दोस्तों नीचे देखिए डाउनलोड एग्जाम डेट। अगर आपको अपनी एग्जाम डेट डाउनलोड करनी हो, इसके बारे में जानना हो, आप नीचे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके। जब फ्रेंड्स आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जो आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो अपने एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से करना है, ठीक है? अगर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है इनके बीच में है या फिर यही है, आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। तो मेरा जो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट में आता है, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। और दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटर एप्लीकेशन नंबर, आपको यहाँ पर फिलअप करना है वो नंबर, ठीक है? जो अपने फॉर्म फिलअप करवाते समय आपको जो फॉर्म मिला होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा ये नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं इसमें। दोस्तों, एप्लीकेशन पर डालने के बाद आप नीचे देख रहे हैं इंटर पासवर्ड, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिलअप करना है, ठीक है? दोस्तों, पासवर्ड फिलअप करने के बाद देख रहे हैं नीचे प्रोसीड टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे योर एडमिट कार्ड इज करंटली नॉट एक्टिव फॉर डाउनलोड, इट विल बी एक्टिव लेटर ऑन 7 नवंबर। दोस्तों, इसका मतलब है मेरा जो पेपर होना है वो 10 या 11 तारीख को नहीं होना है, मेरा पेपर दोस्तों 17-18 तारीख को होना है, इसलिए मेरा जो एडमिट कार्ड है 7 तारीख को आएगा फ्रेंड्स, ठीक है? अगर आपको यही ऑप्शन आता है, ठीक है, जब इतना फिलअप करने के बाद अगर आपको यही ऑप्शन मिलता है दोस्तों, तो आपका पेपर जो होना है वो 17-18 तारीख को होना है, आपका पेपर 10 या 11 तारीख को नहीं होगा, ठीक है? अगर आपको ये इशू आता है तो, अगर फ्रेंड्स इतना फिलअप करने के बाद अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है, तो आपका पेपर दोस्तों 10 या 11 तारीख को होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।